अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने ऐसा एक ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ जो देखकर आप हैरान हो जाओगे और आप लोग देखते रह जाओगे उस सेटिंग्स में कैसे करती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो गाइस, इस वीडियो में हमने व्हाट्सएप जो होता है ना, व्हाट्सएप में ही ट्रिक सीखने वाला है। तो पहले आपको व्हाट्सएप पर जाना होगी। व्हाट्सएप पर आने के बाद ऊपर 3 डॉट यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर लिखा है सेटिंग्स, सेटिंग्स पर आइए। तो सेटिंग्स पर आने के बाद देखिए, यहाँ पर लिखा है अकाउंट, तो अकाउंट पर क्लिक कीजिए। अकाउंट पर आने के बाद देखिए, ऊपर लिखा है प्राइवेसी, तो प्राइवेसी पर क्लिक कीजिए। तो ऐप पर क्लिक करने के बाद नीचे आइए। आने के बाद देखिए, ऐप पर लिखा है फॉर डिफॉल्ट मैसेज टाइम। तो गाइस, ऐप पर जब भी आप क्लिक करोगे तो देखिए, यहाँ पर लिखा है 24 आवर्स, 7 डेज, 90 डेज एंड ऑफ। तो अगर गाइस आप ऐसे कोई भी एक को सिलेक्ट करते हो, अगर मान लो आप 24 आवर्स को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर एक क्लिक करोगे तो क्या होगी, अगर आपने आपके दोस्त के साथ जितने भी चैट किया है और मैसेज भी किया है, वो 14 आवर्स के बाद वो डिलीट हो जाएगी अपने अपने। तो एक बात है, अगर और एक है 7 डेज, तो यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपका जो 7 दिन के अंदर जितने भी आप मैसेज करते हो, तो 7 दिन के बाद ये अपने अपनी चला जाएगी। अगर इसको आप ऑफ करते हो तो कुछ भी नहीं चला जाएगी, जो आपने मैसेज किया है वही रह जाएगी। तो ये ट्रिक्स कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।